वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत, क्या हाल हैं, कैसे हैं? यकीनन हमारे शो का इंतज़ार हो रहा होगा। शो का इंतज़ार इसलिए जब टीवी ऑन है, आप लोग शो देख रहे हैं तो यकीनन वेट कर रहे होंगे कि क्या आज सिखा रही हैं। ऑब्वियसली हम बता देते हैं आपको कि कल के शो पे ये बन रहा है, तो उसका डेफिनेटली इंतज़ार होता होगा। हर वो रेसिपी जो कि रोज़मर्रा के खाने में बन रही होती है, या हर वो रेसिपी जो हमारी दावत पर बन रही होती हैं, कोशिश ये होती है कि आपको बहुत अच्छे से सिखा दें समीन आपा, जैसे कि आपको डिटेल में बहुत आसानी के साथ बार बार रेसिपी को बता रही होती हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एनीवेज, ये तो हो गई रेसिपी की कहानी, और जो कि बाकी स्टोरी जो है वो आपा ही सुनाएंगे आपको। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? अच्छा, आज हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जब बात करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर वाइटमिन, मिनरल्स एंड पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम हमें जानते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हेल्दी बहुत होंगे हमारे हेल्थ के लिए। और एक ऐसा फ्रूट जो कि सिर्फ और सिर्फ अगैन डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगैन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका लुक बहुत अच्छा आता है, स्पेशली डिज़र्ट में, जब जब आप कस्टर्ड, ट्राइफल कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं और उसके साइड्स पे जी जब ट्रांसपेरेंट होता है तो लगा दें, तो उस पर ब्यूटी बहुत अच्छी आती है। इवन के एड्स वगैरह में भी उसको ब्यूटी के लिए बहुत लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं। किसकी बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं कीवी के ऊपर। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत दे रहा होता है, आपका जो भी लाइक डिज़र्ट होता है वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मिनरल्स, विटामिंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ों से भरपूर है। वो तमाम लोग जिन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, वो तो बहुत शौक से खाएं, बार बार खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बीपी वगैरह इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ये तमाम इश्यूज़ जो होते हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लेता है और बहुत अच्छा रहता है। और वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट बहुत स्लो होता है, या तंग करता है, या जब जब हम ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जो कि हमें बहुत हैवी लग रहा होता है, लाइक ऐसे बहुत सारा फूड, या जब जब आप बहुत सारा खाना खा लें, या मीट को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके बाद जब आपने अच्छा भरपूर खाना खाया है और उसके बाद एक आदत आप कीवी खा लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, वो अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है टफ प्रोटीन या जो भी चीज़ आप ऐसा खा रहे होते हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट करता है। ये हमारा फ्रूट कीवी। अच्छा, कीवी हमारे यहाँ तो हर मौसम में ही मिल जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो मौसम होता है वो होता है गर्मी, और इसकी तासीर होती है ठंडी। अच्छा, ऑरेंजेस जो कि हमारे सर्दी में आ रहे होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो इसके कंपेयर में कीवी में भी भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। जब ऑरेंजेस आपको सर्दियों में मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, जब गर्मी आ जाए तो उसके अलावा आप जो है कीवी का इस्तेमाल करें। वो तमाम लोग जिन्हें पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, आपको पता है यहाँ तो ग्रीन मिल रहे होते हैं, लेकिन बाहर जो है येलोइश गोल्ड में भी मिलते हैं, जिन्हें सन गोल्ड कहा जाता है, और उसमें पोटेशियम एक बनाना के कंपेयर में कई ज़्यादा होता है। और आपको मालूम हमारे लिए पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्रीन अवेलेबल है। फ़िलहाल आप ग्रीन खाएं तो आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो कि भरपूर फ़ायदेमंद है। अगर सोने से पहले रात में खा लें तो आपकी नींद के लिए भी बहुत अच्छा, आपकी स्लीप हॉर्मोन्स को एक्टिव करता है। तो ये एक कीवी एक ऐसा फ्रूट जिसे सिर्फ और सिर्फ दिखाए नहीं, इवन एड्स वगैरह में भी दिखा रहे होते हैं कि खूबसूरत प्रेजेंटेशन, लेकिन खाएँ इसे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक कीवी का फ्रूट भी काफ़ी है आप लोगों के लिए, और चूँकि इतना कॉमनली नहीं मिलता या इतना सस्ता नहीं होता है, लेकिन एक भी खा लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है आपकी बॉडी के लिए। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या लेकर आई हैं हमारे लिए, कैसे बताएंगे हमें रेसिपीज की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत आपा, क्या सीन है आज? सेम मतलब ब्लू तो ब्लू, छन भी साथ साथ सेम है, क्या हो गया ये? हमारी चेयर जो है उसका कवर भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, कैमरे जो है उनके ऊपर भी कुछ ब्लू है। बारल कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है आपका, ऐसी बात नहीं है। जाती जाती सर्दियों में जाती सर्दियों में आपने शॉल ओढ़ी है ना, मैं फिर सर्दी की इतनी सारी चीजें मैंने इकट्ठा कर ली थी, मुझे थोड़ी पता था ऐसे धोखा दे देगी है। ऐसे एकदम से मंडे को एकदम सूरज जोर से निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो हम ठंड भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा एसी चल रहे होते हैं तो आपको ठंड भी लगने लगती है ना, तो बहरहाल गुजारा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें आपके लिए बना रहे हैं। अभी अबील ने बात की कीवी की,
कीवी दरअसल वाकई एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और पहले तो मैं हमेशा इसको डेकोरेशन में यूज़ करती थी। डिज़र्ट जितने भी बनाए जाते हैं उसके अंदर बेहतरीन लगता है, और ख़ासतौर से ट्रांसपेरेंट बोल में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खाने में भी वाकई अच्छा था, अगर कीवी मीठी सी हो तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कीवी एक इमेजिनरी वो भी है ना, बर्ड भी है। हाँ, बर्ड जो, हाँ, जो कि पॉलिश की डिबिया पे रहता है। हाँ, सही सही सही। मुझे उस सुन के वो बात याद आ गई कि वाकई लोग कहते हैं अच्छा अच्छा, मेरी एक जानने वाले उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कभी आज तक कीवी देखा नहीं था। हाँ, कि कीवी परिंदा नहीं, कीवी फ्रूट नहीं देखा था। अच्छा अच्छा लगा, एक्चुअल एनिमल की बर्ड की बात हो रही है। अच्छा, मुझे तो मतलब पहले वाकई इतना नजर नहीं आता, लेकिन अब तो आप हर देखें, हर ठेले पे, हर दुकान पे, हर जगह पे इजीली मिल जाता है, बड़े खूबसूरत तरीके से पैक भी होता है। तो बिल्कुल लेकर आए, एंजॉय कीजिए, और अगर आप उसको वैसे ही खाएंगे तो ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा। डिज़र्ट में दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, तो अच्छा देता है, लुक अच्छी। एक स्ट्रॉबेरी और एक कीवी, दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है जैसे सैलेड के लिए बनाया, ब्यूटी के लिए बनाया ना। बहरहाल हम भी इंशाल्लाह किसी दिन इस्तेमाल करेंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी चिकन हांडी पुलाव बनेगा, और इसके अलावा चिकन मखनी का टकट। जल्दी से आ जाए, रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि पुलाव के लिए हमें यखनी भी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। हाँ। कैसे बनानी पड़ेगी इसको, हम बनाएंगे आज हांडी में। अच्छा, हांडी वैसे मैंने पहले थोड़ी सी गर्म करने के लिए रखी ज़रूर थी, लेकिन ये थोड़ी ठंडी होगी अब। पहले इसको जला के कवर कर दिया था ताकि ये जल्दी से हो जाए, क्योंकि इसको गर्म होने में और ठंडा होने में दोनों में बहुत टाइम लगता है। ठंडी भी बहुत देर से होती है और गर्म भी बहुत देर से होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए पहले मैं एक दो चीज़ें ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है वो हाफ के जी है, और हाफ के जी ही मेरे पास राइस। बहुत अच्छी ये वन पॉट मील भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि पहले हम प्याज को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं, ताकि प्याज हमारी फ्राई होते ही बाय द टाइम हम वो पोटली बना लेंगे जो हमें इसमें डालनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम अब आप बनास्पति से बनाएं। मुझे लग रहा है कि मुझे आज थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनास्पति से चीज़ें बनाती हूँ, तो आज सोचिए इससे बना लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि फौजी बनास्पति जीरो कोलेस्ट्रॉल और बीटीएफ बनास्पति है। लेकिन हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी, ये वेजिटेबल ऑयल है, बेहतरीन, फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए एंड डी, जीरो कोलेस्ट्रॉल, डबल रिफाइंड, यूएचडी ट्रीटेड। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब इसमें मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, एक बड़े साइज की प्याज, ये चली गई, और जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला जो मिक्स है, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ हाफ के जी और वन के जी का अगर हो तो वन वन एंड हाफ टेबल स्पून बिल्कुल सही रहता है। ये चला गया इसके अंदर, हल्का हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है उस तक हम आ जाते हैं कि हमें पोटली में क्या डालना है। अच्छा, वैसे तो जब हम यखनी बनाते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं साबुत धनिया सौंफ, लेकिन इससे हमें पोटली इसलिए डालनी पड़ेगी कि हम इसको डायरेक्टली ही पका रहे हैं। अब हम इसको छानने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये मेरे पास कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए, कॉटन होना चाहिए और कलर नहीं होना चाहिए, वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं बल्कि अच्छा है। सौंफ तकरीबन वन एंड हाफ टेबल स्पून, धनिया, मैं एक सेकेंड इसको ज़रा सा बाहर निकाल लेती हूँ ताकि सब ईजीली देख सकें। चलें जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साबुत धनिया, ये भी वन एंड हाफ टेबल स्पून, और डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो वन एंड हाफ टी स्पून, वन एंड हाफ टी स्पून। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको बांध लेंगे। भाई हमारा कपड़ा कहाँ गया जिससे हमने इसको बांधना था, बांधने के लिए भी कोई कपड़ा था। एक्चुअली ज़हर हम इसको बांधेंगे, चले कोई बात नहीं, हम इसको सीज़र से काट लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। वो मैंने इसको काट के रखा था, वो मुझे लग रहा है शायद इधर उधर हो गया, कोई इशू नहीं है, काट लेते हैं। ओके, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम सीजर से काट लेते हैं। अच्छा, ये मैं हमेशा जब भी मैं कभी पोटली बना कर डालती हूँ तो अपना वाकया मैं ज़रूर बताती हूँ, इसलिए कि उसकी वजह यह कि मैंने ऐसा किया था कि मैंने, बहुत पुरानी बात है कि हाँ जी, मैंने वो कलर जो है ना कुछ इससे डार्क कलर की मैंने इसमें कपड़ा बांध दिया था, उससे क्या हुआ था कि पूरी जो यखनी थी ना वो मेरी फिरोजी रंग की हो गई थी। अब इसको पोटली को हम बांध देंगे, यहाँ पर प्याज और वो खाया पहले ये बताएं। नहीं, वो मैंने देख लिया, इत्तेफाक की बात है कि जल्दी से, तो मैंने उसको फौरी तौर पर ड्रेन किया और दोबारा से उसने पोटली बना कर डाली। नहीं खाया तो नहीं, जहर मैंने थोड़ी देर बाद देखा था, कहते हैं आज तो जहर का बना, ग्रीन सा कलर है या नीले रंग का काला कौन सा। अच्छा जी, इस पोटली को आपने जरा सा लूज बांधना है, इसकी वजह यह है कि ये
सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं, ऑब्वियसली मैं इतनी देर तक नहीं पकाऊंगी, तो ये थोड़ी फूलती है, सारे इसके जूसेस में से निकल कर आएंगे और फ्लेवर सब इसमें ऐड। लेकिन हमें ब्रेक लेना है। चलें, अच्छा जैसे ही हो जाएगी तो मैं एक काम करती हूँ, इससे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँ, ठीक है? और ये डाल के मैं इसको फ्राई करती हूँ। प्याज का कलर आपको दिखा देती हूँ कि हमें गोल्डन ब्राउन करना है, सही है जी? चलें, कुछ बता रही है? नहीं, कुछ नहीं बता रही। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो फिलहाल यहाँ पर हम पुलाव बना रहे हैं, जो कि है स्पाइसी चिकन हांडी पुलाव बन रहा है। हांडी में बनेगा ये पुलाव। पुलाव हमसे वैसे ही नॉर्मली उससे अच्छे बन जाए तो अच्छी बात होती है, यहाँ हांडी में आप आपको बताएंगे कि पुलाव के चावल कैसे अच्छे जो है आप दम कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं मज़ेदार से। तो इसकी डिटेल एंड देन हमारी सेकेंड रेसिपी, फिर हमारी कॉलर्स, आप लोगों से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और आते हैं यहाँ पुलाव की तरफ। और जबरदस्त सा आपा ने कहा कि मैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, प्याज और गरम मसाला और उसके अलावा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। अब डालेंगे हम इसमें नमक, तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि 1/2 kg मेरे पास ये चिकन है। चिकन डालूंगी मैं इसके अंदर, मैंने थोड़े से छोटे पीसेज रखे हैं, ये चलेगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब साथ ही हम इसमें और बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है, आप पिसी हुई काले मिर्च, ये चली गई, साबुत लाल मिर्च, ये चली गई, के बाद ये मेरे पास योगर्ट है, दही है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चले जी, ये दही है तकरीबन 3/4 कप। अच्छा, डाल के हम इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे और साथ ही ये पोटली भी डाल देंगे। और क्या करेंगे कि थोड़ी देर पोटली निकाल देंगे और फिर राइस ऐड कर देंगे, ठीक है? ये हो गया, और इसको भी कॉल बिल्कुल आप लीजिए। मैं पूरा दही इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही अभी पोटली भी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने साबुत धनिया, सौंफ और जीरे की बनाई थी, ये चली गई इसके अंदर। इससे क्या होगा, इससे सौंफ का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, कॉलर हमारे साथ कायना जी कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सलाम, क्या हाल है? हम खैरियत से हैं, ठीक हैं। मैं समीना, आपा के हाथ में क्या हुआ है, पट्टी बंधी हुई है? नहीं फैशन है ये, फैशन कर रही है। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। आप देंगी जवाब जी। आप ये बताइए कि आपने क्या अभी हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया? हाँ जी जी, मैंने अभी देखा नहीं, मैं रोजाना देखती हूँ, मगर मैंने अभी, मुझे एक मसला पेश आ गया है। ओह, क्या मसला है? अल्लाह खैरियत। मुझे कीमा बनाना है, मेरे पास उसके लिए कच्चा पपीता नहीं है, पक्का पपीता है, तो क्या मैं दम के कीमे में पक्का पपीता डाल दूं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल डाल सकती हैं, अनलेस कि वो फीका हो। पपीता वैसे मीठा कम ही निकलता है, लेकिन आप डाल सकती हैं। अच्छा, एक किलो में एक पीस डाल दूं? एक किलो में आप जब उसको पीसें तो 2 टेबलस्पून होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपसे भी एक बात करनी थी। थैंक यू। बोले बोले। हाँ, आपने कल पूछा था, PSL का पूछ रही थी, किसको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बताएं। मैं तो कराची में रहती हूँ, तो कराची जीते या हारे, कराची किंग्स मेरी है। अच्छा ठीक है, डन हो गया। तो कराची किंग्स को आप कर रही हैं सपोर्ट? जी जी। और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कायना जी। अच्छा, तो हमारी कॉलर कायनात ने तो कहा कि ये कराची किंग्स को कर रही हैं सपोर्ट PSL के लिए। यकीनन सारे लोग होंगे एक्साइटेड। तो आप कौन सी टीम को कर रहे हैं सपोर्ट? हम लोग तो कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट, पर आप लोगों का हम जानना चाहते हैं कौन सी टीम है आपकी फेवरेट और किसे कर रहे हैं सपोर्ट? क्या है यही जीते PSL? हाँ। अच्छा जी, अब मैं देखिए इसके अंदर हरी मिर्चें, 6-7 आप हरी मिर्चें ले लीजिए, ये भी इसके अंदर डाल दी। अच्छा, थोड़ा सा जाएगा इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, तकरीबन जैसे 1/2 टीस्पून से ज़रा सा कम ले लेंगे, ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आता है पुलाव के अंदर, ये चला जाए। इतना ज़बरदस्त पुलाव है, आप बनाएंगे आपकी सारे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। इसकी वजह ये है कि तमाम चीज़ें आपने डाली और बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि जब हम साबुत धनिया, सौंफ वगैरह डालते हैं तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, फिर हम उसको छानना पड़ता है। पोटली बना के डाल दें तो काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है? कलर भी सही रहता है, कलर भी सही रहता है, बिल्कुल ठीक है जी। ये हो रहा है, अब मैं काम करती हूँ, ये हो गया, भुन गया है। अब मैं काम करती हूँ, जिसके अंदर डालती हूँ पानी इतना कि जितने मुझे चावलों के लिए चाहिए। चावल हमारे पास यहाँ पे भीगे रखे, लेकिन पहले सॉरी, पहले हम पानी डालेंगे। पहले पानी डालिए, फिर आप बताइएगा कि कितना हमें। बस 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 बस, ज़्यादा ना, चावल के बाद देखेंगे, चावल के बाद देख लेंगे। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे, इतना कि चिकन
इसीलिए मैंने चिकन यहाँ पे छोटे पीस रखे ताकि यहाँ पे जल्दी ये गल जाए। लेकिन अगर आपके पास घर में थोड़े से भी बड़े पीसेस हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं इतना कि चिकन गल जाए। अब मैंने इसको जल्दी इसमें पानी डाल दिया, इसमें चावल डाल दूँगी ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से पक जाए, ये चिकन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसमें मैं चावल, मेरे पास भीगे हुए चावल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, बासमती राइस, ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये स्लाइस की हुई अदरक जो मेरे पास रखी है, जूलियन अदरक है, थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये है फ्राई पैन। ये मैं तमाम चीज़ें क्या करूँगी, मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, पुलाव का थोड़ी सी एक डिफरेंट लुक आएगी, वरना पुलाव से हमारे जहन में ये आता है कि उस पर कोई गार्निशिंग नहीं थी, कुछ नहीं होता, लेकिन इस पुलाव पर हम थोड़ा सा करेंगे, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। डन हो गया। स्पाइसेस हमने, आपने देख लिया कि इसमें हमने हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा हमने इसके अंदर नहीं पिसी हुई काले मिर्च, और हमने इसके अंदर शामिल की साबुत लाल मिर्च। तो कुछ लोगों को लगता है कि पुलाव फीका है, लेकिन मैं कहती हूँ जितना ज़बरदस्त पुलाव लगता है बिरयानी का वो मज़ा नहीं होता, लेकिन बहरहाल बिरयानी जब बनती है तो वो भी अच्छी लगती है, पुलाव बनता है तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है उर्दू स्पीकिंग में ज़्यादा पुलाव को पसंद किया जाता है, वो भी मटन का, मटन है ना, वैसे ये है। हाँ, मतलब ये उर्दू स्पीकिंग हम लोग ये वाली बात कह सकते हैं। कॉलर है आप, कॉलर से बात करते हैं। पता नहीं क्या नाम बताया था, क्या नाम था, कैसे जी, फ्रॉम गुजरांवाला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं प्यारी प्यारी अबीन? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं हमारी प्यारी सी कॉलर? हाँ शुक्र है लगा, कैसी हैं आप भी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? है? मैं तरस गई थी आपकी आवाज सुनने को फोन पे। क्यों भाई, ऐसा मेरी कॉलिंग लगती, इतना टाइम गुजर गया, इतना टाइम गुजर गया। अच्छा चलें, खैर अल्लाह का शुक्र है आज कॉल लग गई। नमाज के बाद ना सर की नमाज के बाद कह रही अल्लाह ताला मेरी ना बस कॉल लग गई मेरे बात। हाय स्वीट, हाय स्वीट, दुआ भी मांगी तो ये तो करके ना बड़ी अपनाइयत मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों से बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, कॉलर जब हमारे आते हैं ना तो हमें भी यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, हम भी काम छोड़ के जो ना आप लोगों से बातें करना शुरू कर देते, हमें भी बेहद अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप ही लोग हमारे प्रोग्राम की जान है, आप ही वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से बात करते हैं लगता है ना प्रोग्राम में सारे काम खत्म के लिए होते हैं, अपनी नमाज वगैरह से बच्चे एडमिशन के होते हैं, मजे से मैंने ये सब देखना होता है सारे काम छोड़। जी जी ऑफकोर्स, आप भी छोटी छोटी बात को एंजॉय करती हूँ। आज तो बड़ा ब्लू कलर पहना हुआ है, फेवरेट कलर क्या था आपका और अबील का? तो वैसे मेरा तो बहुत फेवरेट है, मुझे लगता है अबील का भी है। अच्छा। कुछ आप यकीन करें कुछ ऐसा होता है कि अमूमन हम दोनों के कपड़े इतने ज्यादा मैच करते हैं, आज तो इतने मैच हैं कि आज मैच है, दुपट्टा बदल मैं नहीं हो सकता। खुशाबाद रखे आपको, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी हांडी बड़ी स्पेशल है। जी 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 जी, ये मुझे भाई किसी ने गिफ्ट की थी, ये इस तरह की जो हांडी जितनी भी है ये मुझे किसी ने गुजरांवाला से भेजी थी। अच्छा, गुजरांवाला से है ये? जी जी गुजरांवाला, ये तो ये खुद भी गुजरांवाला से हैं कॉलर। आप गुजरांवाला से हैं? केसर बात कर रही हूं। हाँ तो आप, अच्छा, तो आप ढूंढे वहाँ पर मिलेगी, मिल जाएगी आपको, फिर सब आपको कांटेक्ट करेंगे, हम कैसे आपका नंबर देंगे। सूरत माशाल्लाह, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा पता है मुझे किसी ने इंस्टा पे भी पूछा, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, अमूमन जिस दिन आप इस हांडी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग सवाल कर रहे हैं भाई ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, कोई एक जरूर बताए कि कहाँ से ये मिल रही है जो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये हैंडल्स नहीं होते, हैंडल्स नहीं होते। अच्छा मैं काम करती हूँ, देखिए अब काफी हद तक हो चुका है, लेकिन मैं पहले निकाल ली हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पुलाव को पकाना भी है इसी एक घंटे में। ये मेरे पास चावल है, चावल भीगे हुए हैं, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, शामिल करके हम इसको थोड़ा सा मैं पानी मुझे लगता है गिरा दूँ। अच्छा, आप चावल शामिल करें फिर हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि देख के। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक ये दम पर जाएगा और हम ब्रेक ले लेंगे। ये गए राइस, हाफ के जी राइस थे और आपको पानी। अच्छा इसी स्टेज पे आप टेस्ट कर लीजिएगा कि भाई इसमें पानी सही है कि नहीं, नमक नमक सही है कि नहीं, डालिएगा थोड़ा सा पानी डालिएगा, बताइएगा बस बस okay. अच्छा एंड में आपको थोड़ी ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको निचोड़ लूँगी, जितने भी जूसेस होंगे इसके अंदर दोबारा से हम डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, दम पे से जब निकालेंगे तो ये चीज़ें डालेंगे, ये सब आपके सामने ही करेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें कौन सी? वो गार्निशिंग वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम डालेंगे और फिर जाके तैयार होगा, फिर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे जो कि एक और ख़ास और मज़े की रेसिपी है, उसकी डिटेल वो भी शेयर करेंगे कि किस तरह से बना रहे हैं, वो भी आसान और मज़ेदार होगी, शेयर करेंगे आपको। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक
बैक। और यहाँ पुलाव की क्या अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे है कि पुलाव जब तैयार हो रहा हो तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। अच्छा, और मैं थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि आज हांडी में पुलाव बन रहा है। हाँ बिल्कुल जना। अच्छा जी, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था कि अच्छे से निचोड़ के इसमें सारे जूसेस इसके अंदर डाल दिए। वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब निकला था। आप अपने घर में भी इसी तरह से कीजिएगा। ये देखिए जी, ज़रा हांडी में बनाते वक्त थोड़ी एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि पता चले आपका राइस जो है लग जाए। चले जी, इसका चूल्हा मैंने कर दिया थोड़ा सा हल्का, ठीक है ना। इसी में बड़ा अच्छे से दम हो जाएंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं। किसकी हम बनाने जा रहे हैं? मक्खनी चिकन कटाकट। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर एक काम मैं करती हूँ कि ये ले लेती हूँ और तवा गर्म कर लेती हूँ। तवे पे बनाएंगे, तवे पर तवा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें देखें जी, ये है प्याज, ये मैं डालूंगी इसमें प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप की हुई बारीक। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन थोड़ा क्रश किया हुआ, ये भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे। ये चला गया। अब डालेंगे हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये लीजिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, ठीक है, गारंटीड। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, और इसके बाद हम डालेंगे बटर। अच्छा, मैं इसलिए डाल रही हूँ, ज़रा सा इससे फ्लेवर और भी आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। ये गया इसके अंदर, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक चूल्हा भी शायद बहुत स्लो है और गर्म नहीं हुआ था, गर्म नहीं हुआ है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 टमाटर हैं, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनको हमने बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद हमने इनको चॉप कर लिया। दही है यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून वो ले लीजिएगा। इसके अलावा नमक मिर्च मसाले हमारे वो होंगे स्लाइस की हुई अदरक, ये गार्निशिंग के लिए है। कसूरी मेथी जाएगी, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, चाट का मसाला, और हमारे उस ब्लू बॉक्स के तमाम इंग्रेडिएंट यानी नमक मिर्च हल्दी। अभी पहले मैं इसको हल्का साफ फ्राई करूंगी। आप फ्राई करें कॉलर से, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सोनिया बात कर रही हूँ बहावलपुर से अभी। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। और मैं आपका बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हूँ, मैं और मेरी बेटी आयजा बहुत शौक से प्रोग्राम देखते हैं। और ना मैं आपके और आपा जो हैं वो आपा समीन आपा जो हैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड अभी, आप बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है आपने। और आपा, मैं कैसे बात करूं आपसे, आप भी बहुत अच्छी लगती हैं और कुकिंग भी करते हैं हम आपकी, और बहुत अच्छी डिशेज बनाती हैं, पूरी फैमिली बड़े शौक से खाती है। आपा बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप हमें बताते रहा करें कि आपने क्या बनाया, तो फैमिली वाले बहुत खुश हुए, उनको लगा कि जी आप मसाला टीवी देखती हैं तो बिल्कुल सही देखती रहती हैं। चले, हमारी कॉलर बहुत एक्साइटेड है, अभी है लाइन पर, है ना, एक्साइटेड है ना, बात करने के लिए। बात करना चाहूंगी जी। जी बिल्कुल कीजिए। अभी मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, प्लीज कीजिए, हम तो इंतजार में है कि आप कुछ कहें। अभी आप बहुत अच्छी हैं आप। थैंक यू जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। और आपकी एक्साइटमेंट का लेवल मुझे नजर आ रहा है, कितना एक्साइटेड हैं आप, कि जितना रुक के बात कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। प्लीज मेरी बेटी से भी बात कर लें, आपकी आप बहुत फेवरेट हैं। बात कराएं, आयजा कहाँ है? आयजा फेवरेट हैं। आयजा नाम बताए ना अपनी बेटी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयजा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और मैं मम्मा के साथ रोज़ आपका शो बहुत इंजॉय करके देखती हूँ। व्हाट अ प्लेजर टू सी यू, आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू, बट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू आयजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी मम्मा से बात करके। इसी तरह से कॉल करते रहें, शो देखते रहें, पसंद करते रहें, रेसिपी ट्राई करते रहें। थैंक यू आयजा, थैंक यू कॉल, हमारी तरह आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उनसे बात तक नहीं हो रही थी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैंने बात करने के दौरान ये इसमें मैंने टमाटर जो बॉईल किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। पहले हमने क्या किया था, हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल उसमें बटर डाला, डालने के बाद हमने हल्का फ्राई किया प्याज को, साथ ही कुटा हुआ अदरक और लहसुन दोनों डाले, और साथ हमने डाल दिया इसके अंदर क्या डाला, टमाटर,
और डाल देंगे पानी। टमाटर हमने बॉईल किए थे। ओके बॉईल करके चॉप कर लीजिएगा। अच्छा अब मैं एक काम करूँगी कि थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा टमाटर इतनी अच्छे गले हुए हैं हमारे, कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको गलने में भी ना, इसको पकने में ना, जब इसके कीमे के साथ पकेंगे तो बेहतरीन हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ पर हम डालेंगे नमक। अच्छा नमक डालिएगा 1 टीस्पून, क्योंकि हम इसमें चाट का मसाला भी ऐड करेंगे, सही से ध्यान में रखिएगा। डालेंगे यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई 1.5 टीस्पून, अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून ये मैंने डाल दिया। और डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करके इसके अंदर हम शामिल। अच्छा इसको बहुत आपको भूनने की करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन मैं एक नज़र यहाँ डालना चाहूँगी। वाओ ज़बरदस्त, क्या अच्छा पुलाव तैयार हो रहा है। ओहो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, चूल्हा खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा इसमें बेहतरीन सा दम हो जाएगा। ठीक है ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर डालूँगी चिकन का कीमा, जो कि तकरीबन 1/2 kg है मेरे पास। ठीक है ये हो गया, इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए, उससे क्या होगा ताकि कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। और डालेंगे दही, वैसे कभी ऐसा भी होता है कि आपको पानी डालने की कतन ज़रूरत भी ना पड़े और ये बहुत आराम से ये हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हम दही शामिल करें तो दही का भी ऑलरेडी पानी होगा तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है जी। अब चूंकि ये कटा कट है, ऑब्वियसली ये तवे पर ही बनेगा। अच्छा इसमें कटा कट में ये नहीं है कि हम इसको कटा कट करेंगे, लेकिन क्या है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट हम शामिल करें वो सारे वही हैं जो हम कटा कट में इस्तेमाल करें। ये गैस में दही, इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, बिल्कुल आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको मिक्स करके थोड़ा कवर कर दूँगी। बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको हम बताएंगे। आपने अभी कुछ नहीं डालना? कुछ नहीं डालना। ओके तो फिलहाल दही है और इसको सिर्फ आप मिक्सअप कर रही हैं। ये यहाँ पर बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा कटा कट, जो कि चिकन का कटा कट आप लोगों को नज़र आ रहा है। दही कवर अप एंड इंतज़ार, फिर आगे क्या हो रहा होगा। पुलाव तो तैयार है, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिश आउट नहीं हो रहा, इसलिए प्रॉपरली लुक उसका नहीं देख सकते। पर अभी कटा कट की बारी है, उसको हमने डिटेल में जानना है, फिर अभी टाइम हुआ तो मज़ीद कॉलर से भी बात करेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मज़ीद आगे डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर चिकन कटा कट बन रहा है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ योगर्ट डाली थी एंड देन कवर अप कर दिया। अब देखिए मैंने योगर्ट डाली थी, पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया। हाँ। अब आप देखें कितना इसके अंदर एकदम से, क्योंकि दही का पानी, चिकन का पानी, ये तमाम इसमें आ गए ना। अच्छा ये हो रहा है, देखिए चिकन का कीमा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये डिश मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ये दिखने में अच्छी लगती है, टेबल पर जाएगी तो आपके टेबल की रौनक को बढ़ाएगी और इंशाल्लाह ताला टेस्ट तो इंशाल्लाह आपको लगेगा ही बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखें थोड़ा सा मोटा कीमा लीजिएगा, ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है ये हो गया। अब इसमें डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा ये ज़ीरा भुना हुआ नहीं था, कसूरी मेथी, इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे। अच्छा थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देते हैं। ये गया, ये चला गया, और जाएगा इसमें ये चाट का मसाला। चाट का मसाला हमने बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखाया है, आप हमारे पेज पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारे चाट के मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। मैंने 2-3 तरीके का बताया। ये मैं तकरीबन डालूँगी 1.5 टीस्पून। ठीक है जी ये हो गया चाट का मसाला। और अब इसको हम ज़रा सा मिक्स, सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम जब कटा कट लेते हैं या बनाते हैं खाते हैं तो उसके सारे इंग्रेडिएंट वही हैं, लेकिन ये हम बना रहे हैं कीमे से, क्योंकि कटा कट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि वो नहीं, हाँ ऑर्गन मीट नहीं खाते या नहीं लेते हैं, या डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि ये आप इस तरह से बना के खाएं, चिकन के कटा कट बना ले, फ्लेवर आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा, मीट चेंज है, ऑर्गन मीट चेंज है। जैसे मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं, मैं कोई भी ऑर्गन नहीं खा सकती हूँ, तो दिमाग खा लेती वैसे, कच्चा खा लेती। ओहो क्या कह दिया, क्या कह दिया, छेड़ दिया है। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मजाक की बातें हैं। अच्छा अबील को मुझे देख के तो बाज़ अवक़ात ऐसा लग रहा था हम दोनों को, हम इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि बराबर की सहेलियाँ हैं वो, जबकि ये मेरे बच्चों के बराबर हैं, लेकिन बातें हमारी ऐसी होती हैं जैसे कि बिल्कुल हम बराबर के हैं। हाँ ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ओ खुशबू आना शुरू हो गई, हमने मेथी डाली है,
राइस को मैं एक दफ़ा, अच्छा इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा दो मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर इसको निकालेंगे और निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए, अच्छा सॉरी, इसमें हरी मिर्च तो रही चली गई नहीं है, मैं हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ। अब वो टमाटर स्लाइस, वो सब हम सर्विंग में सर्व ओके करेंगे। वैसे खुशबू नोट और बड़ी अच्छी आ रही है, और एक्चुअल कटाकट वाली आ रही है ना। ठीक है, कसूरी मेथी ही उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। हरी मिर्चें थोड़ी सी इस तरह से काट के हम डाल देते हैं, जितनी डालना चाहें। और चाट मसाला से चाट मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर आया ना, ये देखिए जी, थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है चटपटा सा ना। क्योंकि ये चिकन का कीमा है, वैसे इसमें कोई इतनी जान नहीं होती है, लेकिन ज़ाहिर इसको मज़ेदार बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का बाज़ार इस्तेमाल करना पड़ता है। चले जी, हो गया हमारा कम्प्लीट, इसको मैं मिक्स करती हूँ। चलें और हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं। मैं जब ब्रेक से वापस आएंगे, अब क्या रह गया, थोड़ा सा बटर है जो मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया, हरा धनिया है, स्लाइस अदरक है, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब हम इसके साथ सर्व करेंगे। इसको मैं बंद करती हूँ और चूल्हा भी बंद करते हैं। यार देखिए, और यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं, ये देखिए पुलाव अभी हांडी में बनाया ना, तो इसलिए अब आप चेक करें कि धुएं निकल रहे हैं। बेहतरीन सा हमारा पुलाव जो है, ये देखिए, स्पाइसी, जबरदस्त, मजेदार तैयार हो गया। इसको मैं निकालती हूँ और इसको हम सर्व करें। चिकन हांडी पुलाव आपके सामने, पुलाव बनाए, हांडी में बनाए, जबरदस्त बनाए, फ्लेवर टेस्ट मजेदार। समीना आपा अपने ने तो बना दिया है, बस अब हमारी बारी है ट्राई करने की हांडी। लेकिन जब भी बनाएंगे, जब आप फील करें कि इसमें हल्का सा पानी आपको फील हो रहा है, गीला गीला महसूस हो रहा है, फौरन चूल्हा ऑफ कर दीजिए। क्योंकि इसकी अपनी हीट में वो आराम से आपका दम हो जाए। मैंने इस वक्त यही किया था, तो ये बहुत आराम से हो गया था। बिल्कुल आप इसी तरह बनाइएगा, डरिएगा हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है हांडी में अगर ज़रा सा टाइम का मसला हो जाता है कि वो ज़रा आपने देर में बंद किया तो नीचे से लगना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा सा इश्यू होता है। लेकिन बिल जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दफ़ा अगर जल गया तो कोई डरिएगा मत, दोबारा बनाइएगा। यानी हल्की सी नमी नज़र आए तब बंद कर दें, नमी नज़र आए फ़ौरन बंद कर दें। ओके, इसी हीट में ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। ठीक है, डन हो गया। टेक्निकल बनाना होगा इसको खूब, क्योंकि छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो अच्छा बन सकता है मज़ेदार सा पुलाव, जो कि यहाँ पर रेडी हुआ है चिकन पुलाव और साथ में चिकन कटाकर, यानी दोनों ही खास मज़े की रेसिपीज। तो अब होने लगा है उनका रिकैप, तो दोनों रेसिपीज का रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक, और बड़े मज़े से पुलाव का एंजॉय किया जा रहा है। मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन पुलाव आपके सामने है, बहुत बेहतरीन। इसे हमारी वो मट्टी की हांडी चली गई, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती इसमें कि बराए नाम साइड से थोड़े से चावल जो है ना लगे हैं, जले नहीं लगे हैं सिर्फ ना, वरना मुझे शुरू में ऐसा लगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि जब आप देखें कि आपको पानी फील हो रहा है ना हल्का सा, चूल्हा ऑफ कर दीजिए, और उसको बिल्कुल भी आपने उसका जो लिड है उसको हटाना नहीं है। आप देखिएगा उसी में ही आपके राइस बहती है। जब मैंने लिड बंद की, उसके भी 5 मिनट तक उसमें शदीद उसमें धुआं था, और वो बड़े आराम से राइस हमारे जो है वो दम पर आ गई। देखिए जी, दम पे हम तवे पे रखते हैं ना, मैंने तवे पे भी नहीं रखी, लेकिन बेहतरीन हमारे राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, तवा कीमा या इसको कटाकट, सारे वो मसाले हैं जो हम कटाकट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि इसका मीट चेंज है, इसमें हमने चिकन का इस्तेमाल किया है, चिकन का मोटा कीमा लीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और इस पे लवाजमात तो बताएं इतने सारे जो रखे आपने, वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये अच्छे लगते हैं इनके साथ। देखिए ये कॉम्बिनेशन भी एक बेहतरीन सा है कि आप पुलाव बनाएं, उसके साथ साथ आप ये बना सकते हैं कटाकट बनाएं, और फिर ज़ाहिर सैलड अच्छा सा हो तो मज़ा आता है। और वो सैलड भी जो हमारा फ्रेश सैलड होता है जिसमें कि हाँ देसी वाला, वो अच्छा लगता है इन चीज़ों के साथ ना। कभी भी मेयोनीज बेस्ड सैलड अच्छे नहीं लगते। हाँ, है ना, मतलब देसी और उसके साथ मेयोनीज बेस्ड आ गया कोई, क्योंकि देखिए अमूमन मैंने देखा है शादी में लोग, जैसे शादी हुई कोई ऐसी जब मेयोनीज बेस्ड सैलड जो होते हैं वो लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसी बिरयानी निकाली के लिए वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ना आप सैलड का मज़ा ले सकते हैं, ना ही आप बिरयानी का मज़ा ले सकते हैं, अलग अलग खाएँ, बस पेट भरना है। नहीं नहीं, इंजॉय भी करना है, इसलिए तो अच्छे मज़े के खाने सिखाते हैं ताकि आपको एक्चुअली आप टेस्ट एंजॉय करें खाना। मैं हमेशा अभी आपने देखा होगा, मैं इसीलिए बार बार कॉम्बिनेशन पे मेरा बड़ा जोर होता है। मैं कहती हूँ कॉम्बिनेशन नहीं ख़राब आना चाहिए, चीज़ों के ऐसे बने कि जब आप घर में भी बनाएं तो आपको लगे कि नहीं नहीं वाकई ऐसा हम कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आज हमने बनाई हैं, आई एम श्योर कि आपको लगेगा कि आप ही घर पे बना लें, दोनों चीज़ें आप मिला के बना सकते हैं। कटाकट आप तवे पे नहीं बनाना चाहते तो आप किसी भी पैन में जो घर में यूज़ होता है आप उससे बना सकते हैं।
बस ये स्क्रीन पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक ओरिजिनल चीज़ है, तो मैंने आपको सोचा आपको बता देती हूँ। अगर कभी घर में कोई दावत है तो बनाएं, और बनाने के बाद इसी तवे पे इस तरह से सर्व कर दीजिए, मेहमानों को बहुत अच्छा लगेगा। बस तवा ले लें, ऐसा बड़ा अगर नहीं है तो। हाँ नहीं है तो ले लें। हाँ, ये रोटी के तवे वाला नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है ये। चलें, आप कल क्या बना रहे हैं? कल हम बनाएंगे जनाब थाई टूना सैलेड, थाई फिश सैंडविच, इसके अलावा ये भी हम टूना से ही बनाए, टूना फिश सैलेड सॉरी, और इसके अलावा बनाएंगे स्ट्रॉबेरी स्मूदी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, लेकिन हमारे पास कौन सी है ये आपको करीब पता चलेगा। बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ये टी टाइम की रेसिपीज़ हैं, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेंगी। डन हो गया, तो ये हो गई आज की दो रेसिपीज, और कल कुछ खास हो रहा है क्योंकि है बहुत मज़े की रेसिपीज कल की भी, तो हम वो जानेंगे डिटेल में कि मज़े के सैंडविचेस, फिर साथ में स्मूदी है और साथ में है सैलड, तो वो भी किस तरह से बनाए हेल्दी परफेक्ट मज़ेदार, लेकिन कैसे वो कल के शो पे जाएंगे। तो दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करते हैं मजे की रेसिपीज के साथ, हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।